तो मैं हूँ अभिषेक गिरी, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट व्लॉग में। और आज आप लोगों के लिए आया हूँ अपने टाटा टिगोर के फर्स्ट सर्विस का रिव्यू, जो कि मैं करवाने जा रहा हूँ अभी पटना। और अभी अंदर वे ही था, घर पे शूट नहीं कर पाया था, जिस वजह से मैंने रास्ते में रुक कर वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इसे शेयर कर सकूँ कि कितना ज़्यादा खर्चा इसमें आता है और इसमें क्या क्या मेजर चीज़ें होती है जो हम लोग को करवाना ज़रूरी होता है। आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। चलिए अंदर दिखा देता हूँ मैं अपना गाड़ी का किलोमीटर कितना भी ये चल चुका है और क्या क्या होता है फर्स्ट सर्विस में, तो सारे चीज़ शेयर कर लेंगे। और मैं अभी हूँ पटना में, जा रहा हूँ दानापुर अनन्या टाटा मोटर्स, तो वहीं पे इसका सर्विस होने वाला है, क्योंकि हाजीपुर में अभी सर्विस नहीं होता है इसका, पटना ही आना पड़ेगा आप लोगों को, बस वहाँ पे सेल होता है। और फर्स्ट सर्विस में कोई ज़्यादा मेजर चीज़ होती नहीं है, मोबिल वगैरह तो चेंज होता नहीं है, बस ग्रीसिंग हुआ, साफ़ सफाई हुआ, यही सब करते हैं। देखते हैं उसमें कितना टाइम लगाते हैं शोरूम वाले और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कितना ज़्यादा खर्चा आता है थोड़ा बहुत चीज़ों का, वो सब सारे चीज़ बताएंगे आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारी गाड़ी चढ़ चुकी है अभी 2068 किलोमीटर, देख सकते हैं आप, और ये अभी माइलेज शो कर रहा है 12 का। अभी हाईवे से आया हूँ तो 12 का शो करता है, बट ये देता है 11 ही, 11 11.5 के बीच में भी रहता है। देखते हैं फर्स्ट सर्विस होने के बाद ये बढ़ता उड़ता है या नहीं बढ़ता है, बट अब अभी तो माइलेज कम दे रहा है, आगे क्या होता है वो भी शेयर करूँगा और अपना एक्सपीरियंस भी जल्द ही आपको शेयर कर दूँगा मैं अपना। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा ओपिनियन जानने के लिए, और इससे रिलेटेड सारे वीडियो देखने के लिए, और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सारे चीज़ों का कंटेंट मैं लाते रहता हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए चलते हैं शोरूम और वहाँ पर देखते हैं कैसा है वहाँ का एक्सपीरियंस और कितना ज़्यादा खर्चा आता है, वो सब आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अपने शोरूम, देख सकते हैं आप, यह है टाटा मोटर्स अनन्या पटना। और यहाँ पे अभी आ चुका हूँ मैं, मुझे टाइमिंग मिला है 2 बजे का और अभी हो रहे हैं 11:45, तो लगभग 2 घंटा बैठना है मुझे, उसके बाद अपना नंबर आएगा, उसके बाद होगा अपना सर्विसिंग। और यहाँ पे आना मुझे सबसे बड़ा झंझट लगता है, क्योंकि 30 किलोमीटर है अपने घर से ये सर्विस करवाने के लिए आना पड़ता है, और शोरूम है मेरे घर से 3 किलोमीटर, वहाँ पे हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता, देखते हैं कब तक होता है वहाँ पे। तो चलिए पूरा प्रोसेस दिखाएंगे जब सर्विस होता है तब। ये रही दोस्तों अपनी कार, यहाँ पे पार्क हो चुकी है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आया है, बोल रहे हैं कि अंदर में एक बोल्ट नहीं था, पर पता नहीं मुझे नई गाड़ी लेने के बाद आज मैं पहला बार देख रहा हूँ इसका बोनट ओपन होते हुए, उसके बाद स्क्रू प्रॉब्लम, ये लगता है कंपनी से कुछ नहीं होगा या कभी इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा तो इश्यू नहीं है और नॉर्मल चेकअप है, यहाँ पे सारी चीज़ हो रही है। गियर थोड़ा सा फंस रहा था, तो जो कि मैंने बोला हूँ यहाँ पे वही यहाँ पे हो रहा है चेकअप, इसके बाद देख लेते हैं सारे चीज़। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्लच का थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा, उसी वजह से बैक गियर लेने पे आपका घरघराहट आता है, मैं जब भी सुबह सुबह पार्किंग रहता है ये बैक गियर लगाने पर ये घरघराहट आता है, तो उसी को मैं दिखवा रहा हूँ कि क्या उसमें इशू है। तो इन्होंने बोला कि क्लच से थोड़ा लूज होगा, इस वजह से हो रहा होगा, तो एडजस्टमेंट होगा उसके बाद सही हो जाएगा और लिफ्टिंग होगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे कुछ लटका हुआ मुझे नज़र आ रहा है, डिलीवरी के टाइम से ही था, तो उसको भी सही करवा लेंगे साथ में ही आज। अब ये लिफ्टिंग हो चुका है ऊपर की ओर, देख सकते हैं, और वही चीज़ देख सकते हैं आप नीचे जो लटका हुआ है, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे रियल व्यू के पास, वही मुझे लग रहा था कि क्या है, कुछ उनका कवरिंग वगैरह वही लटका हुआ था, शुरू से ही था, जो कि आज सही करवा लूँगा उसको भी, बाकी ये पूरा चीज़ देख सकते हैं, शायद वो साटा रहता है कि क्या रहता है पता नहीं, पूछते हैं उन्हीं से और आपसे भी शेयर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब अपनी कार वॉश हो रही है, देख सकते हैं आप, बस वॉश होगी, झिक झक हो जाएगा, उसके बाद निकलेंगे अपने घर की और सारे चीज़ शेयर करेंगे रास्ते में ही। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बात करते हैं शोरूम की, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ज़्यादा गाड़ियों का कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा सर, लगभग धुलवाने के लिए मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा, इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहता है। और मैं भी हाजीपुर से पटना आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर नहीं है सर्विस का उपाय कोई कुछ भी, बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है, सब पर्सन आपको वेल मेंटेन मिलेंगे यहाँ पर।
तो अब आते हैं फाइनल कि कैसा एक्सपीरियंस रहा शोरूम का। और ये वीडियो मैं उस दिन सेम डे नहीं शूट कर रहा हूँ, मैं घर आ गया था क्योंकि शाम हो गया था सर्विस कराते कराते, उसका टाइम नहीं मिला था क्योंकि सिटी में कहीं भी गाड़ी खड़ा करके शूट करना अलाउ नहीं है क्योंकि पुलिस का भी पकड़ के चालान कर सकती है, इस वजह से उसका टाइम ही मुझे नहीं मिल रहा था। तो आज टाइम मिला, घर पर ही हूँ और यहीं पर शूट कर रहा हूँ। तो बताता हूँ शोरूम का एक्सपीरियंस। शोरूम में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा अनन्या मोटर्स का, मुझे तो काफ़ी बढ़िया मिला। आप लोगों को अगर किसी पर्सन को बुरा मिला होगा तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं अगर कमेंट में, किसी लोकल बंदे देख रहे होंगे तो। बाकी मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे। सर्विस होने के बाद पूछते भी हैं कि हर पर्सन का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि मार्क देना होता है एक स्टार कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, 9 दिए या 10 दे रहे हैं। 10 दे रहे हैं तो पूरा सेटिस्फेक्शन है, आप कम है तो क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस बंदे से, वो सारे बातें पूछते हैं। कार क्लीनिंग भी अच्छे से कर दी है, पॉलिश भी करके देते हैं, पूरा वॉश करने के बाद पूरा गाड़ी पॉलिश होता है, उसके बाद आपको हैंड ओवर करते हैं। अब आते हैं फाइनल, इसके प्राइस कितना मुझे पड़ गया टोटल कॉस्ट फर्स्ट सर्विसिंग का। तो मुझे सर्विसिंग में कॉस्ट पड़ गया 79 रुपीज़। वो भी 79 किस लिए लगा, क्योंकि आगे जो बोनट है ठीक यहाँ पे वाइपर पे आप देख रहे हैं, ये जो सामने मैं उंगली दिखा रहा हूँ उसके सामने एक नट गिरा हुआ था। अब मुझे नहीं पता वो कैसे गिर गया, क्योंकि जब से मैं गाड़ी लिया हूँ मैंने वो नट अभी तक कभी नहीं खुद से खोला। फिर भी जब सर्विस पे गया तो उन्होंने बोला कि आपका नट गिरा हुआ है यहाँ का और वाशर लगेगा। तो यही दोनों चीज़ लगाए थे, वाशर और नट, दोनों का कॉस्ट मुझे बताया 79 रुपीज़, जो कि मैंने पे किया। बाकी सर्विस में कोई चार्ज नहीं लगा क्योंकि उसमें कुछ काम ही नहीं होता है। वो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि आप 360 का एक पॉलिश सेट ले लीजिए जिसमें आपका ये कैबिन वगैरह पॉलिश करने का आपको मिल जाएगा अंदर से, और कपड़ा था उनका एक माइक्रो फाइबर, यही सब चीज़ें था। तो मैंने बोला इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने गोल्ड ऑफ़र भी किया, जो कि गोल्ड पेपर ऑफ़र सॉरी, जो कि सर्विस में आपको हेल्प करता है लेबर कॉस्ट में और पार्ट्स वगैरह में 10% या 5% जो भी उनका होता है वो लेस करके देते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे वो ज़रूरत है नहीं, फर्स्ट सर्विसिंग में आऊँगा तो मैं ले लूँगा। तो यही रहा एक्सपीरियंस भाई, बहुत अच्छा। बाकी खर्चा 79 रुपीज़ फर्स्ट सर्विसिंग का, मैंने खर्चा बता रहा हूँ, इसमें आपको जीरो कॉस्ट समझ लीजिए आप, यही लगा। तो आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गया हो तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको फर्स्ट सर्विस से रिलेटेड कि इसमें क्या क्या होता है नहीं होता है, वो सारी चीज़ आपसे शेयर कर लूँगा मैं। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।